दुनिया में बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे, देखो जितने मेरे पास हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये सभी कलर ओनली 3 कलर से मिलकर बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर। और इस प्राइमरी कलर के अंदर हमारे पास ये 3 कलर होते हैं, केवल ये 3 कलर, एक रेड है, येलो है और ब्लू है। इन तीनों कलर के मिश्रण से हम सारे के सारे कलर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम है जेडी और आप हैं जेडी क्रिजी फिजिक्स के साथ। तो आज हम इन सभी कलर को मात्र इन 3 कलर की सहायता से हम बना के दिखाएंगे। और इसके लिए हमने क्या किया है, हमने डिस्पोजल गिलास का सहारा लिया है और डिस्पोजल गिलास के अंदर हमने क्या किया है, इस तरह से छेद किया है, ये देख सकते हैं आप, देखिए आपको दिखेगा, ये देखिए, ये हमने जो छेद किया है दोनों तरफ छेद कर देंगे और फिर इसका एक सेटअप लगाएंगे। और इस सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों कलरों को डालेंगे और फिर इन्हीं कलरों के मिश्रण से हमें अलग अलग कलर मिलेंगे और इनको और मिश्रित करेंगे तो बहुत सारे यानी कि हज़ारों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, कलर बना सकते हैं। तो ये कलर तो हमारे पास बहुत थोड़े हैं, हम बहुत सारे कलर इन्हीं के मिश्रण से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमने जो सेटअप था वो कर लिया है और पानी डाल करके इन सभी गिलासों के अंदर जो पानी का तल है वो हमने समान कर लिया है ताकि कलर आराम से मिश्रित हो सके। तो अब हम इसमें कलर बनाते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी कलर है उसको हम अलग से गिलास के अंदर क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं, यानी कि हम येलो और रेड और जो ब्लू कलर है उनको अलग से हमने क्या कर लिया है, गिलास में ले लिया है डालने के लिए। जो हमारे पास सेटअप था वो हमने लगा लिया है और सभी गिलासों के अंदर लेवल से पानी भर लिया है और अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे। ठीक है, तो अब कलर डाल कर देखते हैं और ये जो नज़ारा होगा वो बहुत ही शानदार होगा। देखिए जैसे हम कलर डालते हैं जो नीचे वाले गिलास हैं उनके अंदर 2 कलर मिश्रित होकर के हमारे पास देखो अलग अलग कलर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। वैसे कलर का मैं नाम ज़्यादा नहीं जानता लेकिन जो भी कलर हैं वो आपके सामने हैं और ये बहुत ही शानदार नज़ारा है जो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो आप देख सकते हैं ब्लू, येलो और रेड मिल करके हमारे पास नीचे बहुत सारे कलर बने हुए हैं, इसके नीचे और कलर बन गए हैं और इसके नीचे आप और देखोगे तो आपको और भी मिश्रित कलर हैं। अब हम इसके अंदर और कलर डाल करके देखते हैं। तो ये जब और कलर डालेंगे तो जो जिन गिलासों में कलर नहीं बने हैं उन गिलासों में हमारे पास क्या हो जाएंगे, कलर बन जाते हैं। और अब हमारा पास जो सेटअप था यानी कि कलर मिक्सअप का जो प्रोसेस थी वो पूरी हो गई है। इसमें जो थोड़ा सा पानी और डाल के देखते हैं ताकि जो बचा हुआ कलर है वो भी अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ हमने 3 प्राइमरी कलर लिए हैं, ब्लू, येलो और रेड। ठीक है, और इसके मिक्सअप से जो नीचे हैं वो आप कलर देख सकते हो, जो साइड में है लाइनें इसके अंदर एक तरफ नीला और एक तरफ लाल कलर हमें मिलेगा, बाकी अंदर जो बीच में है वो मिक्सअप होकर के अलग अलग कलर मिलेंगे। ये जो कलर है ये मुझे सबसे डिफरेंट लग रहा है, आपको जो डिफरेंट लग रहा है आप बताएंगे। जो येलो और ब्लू के मिश्रण से हमें ग्रीन मिला है, इनके मिश्रण से हमें और मिले हैं, इस तरह से सारे कलर हमें क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, और वो कैसे करते हो वो आप जाने। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये कलर कैसा लगा। यदि आपको ये कलर अच्छा लगता है तो हम इसको और बड़ा करके दिखाएंगे आपको।